नमस्ते। तो आज हम एक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। और लाइक ज़रूर करना है गाइस, कमेंट में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर आपको सेंड करना है, ठीक है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ चल रहा है, देखते हैं। और बहुत बहुत थैंक्स आप सबके प्यार के लिए, बहुत थैंक्स। मतलब मुझे लगा ही नहीं था कि इतने ज़्यादा गैप के बाद मैं क्या बताऊँ गाइस, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। आपने कितना प्यार दिया है इस चैनल को, कितना सपोर्ट किया है, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ आपका, शब्द नहीं है मेरे पास। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू मुझे साथ देने के लिए। अब देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं, इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, जो व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके देखो गाइस, सबसे पहला ही कार्ड है एट ऑफ सोर्स। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्टक नज़र आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है या पहले थे, और आपके पार्टनर को थोड़ा सा मुश्किल लगता है इस रिश्ते में आगे बढ़ना, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। या तो कोई ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपनी ही ज़िंदगी में कोई उलझन है और वो खुद इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपके पार्टनर आपको चाहते नहीं हैं। वो आपको चाहते बहुत ज़्यादा हैं, वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, और वो इस रिश्ते में बैलेंस भी लेकर आना चाहते हैं। आपके पार्टनर में भी इस तरह के हो सकते कि जो बहुत इमोशनल तो है, लेकिन कभी कभी ना इतने ज़्यादा इमोशंस में बह जाते हैं कि गलत डिसीजन भी लेते हैं। और जो इमोशंस में बहकर ये गलत डिसीजन लेते हैं, उसके बाद ये खुद उसमें ट्रैप हो जाते हैं, वो खुद उसमें इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि वो उसमें से निकलना उस इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। या ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ये वाइस वर्सा हो सकता है। हो सकता है आप बहुत इमोशनल पर्सन हो और कभी कभी परिस्थिति आपको इस तरह से घेर लेती है, कभी कभी हालात इस कदर आपके ऊपर हावी हो जाते हैं कि आप खुद को संभालना भूल जाते हो। इस कदर हावी हो जाती है परिस्थिति आपके ऊपर, या इस रिश्ते में जो हालात हैं, आपको मुश्किल हो रहा है इससे बचना, आपको मुश्किल हो रहा है अपने आप को इस दर्द से, इस तकलीफ से बाहर निकालना। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपके पार्टनर को थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये जो कुछ भी हालात है, ये जो सिचुएशन चल रही है, ये जो परेशानियाँ चल रही है आप दोनों के बीच में, चाहे झगड़े हो, चाहे टेंशन हो, चाहे घर वाले ना मान रहे हो, चाहे आप दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव है। आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना, लेकिन इस इंसान को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि मुश्किल है, थोड़ा तो मुश्किल है। इस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह से आप एनर्जी है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी हो सकते हैं आपके पार्टनर, वाटर साइन हो सकते हैं गाइस। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली। टू ऑफ वांड्स की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, एरीज लियो सैजिटस आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, आपकी राशि हो सकती है, और जिस तरह से आप एनर्जी आई है, आपके पार्टनर इच्छा पूर्ति चाहते हैं। वो जिस तरह से सोच रहे हैं, वो जो चाहते हैं इस रिश्ते में, वो चाहते हैं कि उनकी विश कंप्लीट हो जाए, चाहे आपसे शादी करना हो, चाहे इस रिश्ते में आगे बढ़ना हो, चाहे जो कोई भी डिसीजन लेना हो, या चाहे जो भी सपने उन्होंने देखे हैं आपको लेकर, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत दूर के सोचने वाले हो सकते हैं, आपके पार्टनर ऐसा हो सकता है, मतलब आज अभी इस वक्त जो उनके दिमाग में चल रहा है, हो सकता है कि वो 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, ऐसे बहुत दूर की सोचने वाले आपके पार्टनर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचते हैं, और जिस तरह से इनकी एनर्जी है, इसीलिए शायद वो स्टक फील कर, क्योंकि इस इंसान को सिर्फ आज का नहीं देखना है, ये जो रिश्ता है आप दोनों का, आपके पार्टनर को सिर्फ आज के बारे में नहीं सोच रहे, वो बहुत दूर की भी सोच रहे कि ये रिश्ता बनेगा, आप दोनों की शादी होगी तो क्या ये रिश्ता निभ पाएगा, क्या आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाओगे, बहुत दूर की सोच रहे हैं वो। और जिस तरह से आप एनर्जी है, वो चाहते हैं, ठीक है,
मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ऐसी कोई गलती कर बैठे हैं जिसके बाद आपका दिल टूटा है। द सन और थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड साथ में आना, आपके पार्टनर आपको खुश देखना चाहते हैं लेकिन इस इंसान को पता है कि इसने गलतियां कर दी हैं। आपके पार्टनर अपनी जो गलतियां कर बैठे हैं, जिस भी तरीके से इस इंसान ने आपके दिल को तोड़ा है, जिस भी तरीके से इंसान ने आपको हर्ट किया है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इसके लिए गिल्ट रिग्रेट फील कर रहे हैं, पछतावा हो रहा है इस इंसान को कि उसने क्यों आपका दिल तोड़ दिया। दी सन के नज़र यहाँ पर बता रही कि आपके पार्टनर इस बात को समझ चुके हैं कि वो आपके बिना बहुत दुखी रहते हैं, वो आपके साथ खुश रहते हैं। आपके बिना थ्री ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में चले जाते हैं आपके पार्टनर, जो दिल में बहुत दर्द है, तकलीफ है, उस दर्द से उभर पाना मुश्किल है। और उसी कदर आपकी भी एनर्जी है। आपके पार्टनर को ये भी पता है कि वो अगर आपके साथ नहीं रहेंगे, वो अगर आपका साथ नहीं देंगे, तो आप भी किस एनर्जी में जाओगे या आज आप किस एनर्जी में हो, ये आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। आज आप जिस दर्द में हो, जिस तकलीफ में हो, आपके पार्टनर महसूस कर पा रहे हैं आपके दर्द को, आपके तकलीफ को। और दी सन की एनर्जी यहाँ पर बता रही कि आपके पार्टनर को पता है कि आप दोनों की खुशियाँ एक दूसरे से जुड़ी है। ना आप उसके बिना खुश रह सकते हो, ना वो आपके बिना खुश रह सकते हैं। तो ये रियलाइज़ हो रहा है और तभी दूर की सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर का कॉल, मैसेज आ सकता है और वो आपको कोई गुड न्यूज़ भी दे सकते हैं, या बहुत जल्द इस रिश्ते में ऐसा कुछ हो सकता है कि आप दोनों हैप्पी हो जाओगे, या आपकी खुशी के लिए आपका जो दिल तोड़ा है इस इंसान ने, आपको जो दुख दिया है इस इंसान ने, आपका दुख दूर करने के लिए आपके पार्टनर कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद आप बहुत हैप्पी हो सकते हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। आपके पार्टनर लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकते हैं, आप हो सकते हो। मुझे ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि आपके पार्टनर मानते हैं इस बात को, जानते हैं इस बात को कि उनकी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हैं। उनकी खुशियाँ वो आपके साथ देखना चाहते हैं, वो आपके साथ हैप्पी रहना चाहते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी आई है, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 8 खास हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ओके, नंबर 21 भी खास हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से आप एनर्जी हैं, स्टक फील कर रहे हैं। एक तरफ वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, एक तरफ वो मानते हैं इस बात को कि भगवान ने ही आपको उनकी ज़िंदगी में भेजा है, भगवान ने ही ये रिश्ता बनाया है, इस बात को मानते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पार्टनर चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, ओके, और खुद को स्टक फील कर रहे हैं। राशि है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर दो दो कार्ड का आना। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं। हो सकता है कि इस रिश्ते में इतने ज़्यादा झगड़े हो गए कि वो झगड़े ही इस इंसान को बोझ लगने लगे, वो झगड़े ही इस इंसान को सबसे बड़ी मुसीबत लगने लगी, वो झगड़े ही इस इंसान के ऊपर इतना बर्डन फील करवा रही है। अगर इस इंसान ने कुछ बोला है, अगर इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है, अगर बेवजह इसने झगड़े किए हैं, बेवजह आपको परेशान किया, तो इस इंसान को वो सारी बातें बर्डन हो रही है। इस इंसान के दिल पर, इस इंसान के दिमाग पर जैसे कि बोझ बन रहा है, कैसे वो इस बोझ से बाहर निकले। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर खुद को साबित करना चाहते हैं। अगर आप इस इंसान को ब्लेम कर रहे हो तो आपके पार्टनर खुद को साबित करना चाहते हैं कि वो गलत नहीं है। अगर आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे थे तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप खुद को साबित करना चाहते हो, कोई गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, या किसी और ने भड़काया हो, ऐसा हो सकता है। चाहे जो भी हालात हो, चाहे जो भी एनर्जी हो, आपके पार्टनर को बोझ फील हो रहा है। आपके पार्टनर को जैसे कि होता है ना कि एक रिग्रेट सा, ठीक है। और जहाँ तक मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, झगड़े बहुत ज़्यादा है, या अभी भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि वो अगर आपसे बात करेंगे तो फिर से झगड़े होंगे, तो बहुत बर्डन सा फील करते हैं, वो कैसे बात करेंगे, आएंगे भी तो बैलेंस करने की कोशिश भी करेंगे तो फिर आप दोनों के झगड़े हो सकते हैं। ऐसे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। नंबर 7, नंबर 10 खास हो सकते हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, चाइल्डिश हो सकते हैं या आप चाइल्डिश हो सकते हो। देखो एक तो ये इंसान बहुत ज़्यादा भोला है, एक तो बहुत ज़्यादा शातिर है।
कुछ तो ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान ने खुद की गलतियों की वजह से इस रिश्ते में बहुत खराबी कर दी है, इसने बहुत गलतियां कर दी हैं, इसने मतलब ना सोचा ना समझा, जैसे कि खाई में छलांग कैसे लगाते हैं, ना सोचा ना समझा खाई में छलांग लगा दी, बस इस तरह से इस इंसान ने कुछ गलतियां कर दी हैं। और हो सकता है कि आपने इस इंसान को बहुत रोका, आपने हमेशा इस इंसान को समझाया कि तू ये गलती मत कर, तू बहुत बड़ी गलती कर रही है या कर रहा है, आपने हमेशा इस इंसान को समझाया लेकिन इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी भी एनर्जी है कि आपने बहुत कोशिश की इससे बात करने की, आपने बहुत कोशिश की इसको समझाने की लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो ऐसी भी एनर्जी है कि देखो चाइल्डिश है, समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ बचकानी हरकतें कर रहे हैं और आपका समझाना भी इस इंसान के ऊपर कोई असर नहीं कर रहा है। अब जब आपके पार्टनर मिलना चाहते हैं आपसे, अब जब वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उनको रिस्क लगता है, उनको डर लगता है आपसे बात करने से, या जिस तरह से आप एनर्जी हो सकता है बहुत भोले हो या बहुत बहुत बालिश हो, बचकानी हरकतों में इस इंसान ने रिश्ता खराब किया है। तो देखो यहाँ पर जिस तरह से एनर्जी है, आपके पार्टनर गलत इंसान नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है ये इंसान, लेकिन हालात ने इस इंसान को इस कदर मतलब कभी कभी इसने बेवकूफ़ी भी कर दी है, तो हालात ने इस इंसान को इस कदर चेंज कर दिया है, हालात ने इस इंसान को ऐसे बदल दिया है कि आपकी नज़र में इंसान गलत है। ओके, तो जहाँ तक मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस सोच रहे हैं, दूर की सोच रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग की सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत वो डेफिनेटली चाहते हैं। और कुछ लोगों के ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के परिवार अलग अलग हो सकते हैं, मतलब डिफरेंस हो सकता है, तो इस इंसान को डर लगता है एक न्यू बिगनिंग करने से या शादी की बात करने से, क्योंकि बहुत दूर की सोच रहे हैं वो, ये जो रिश्ता है उनको शादी तक लेकर जाना है, ये जो रिश्ता है उनको बहुत ब्यूटीफुल इस रिश्ते को बनाना है, तो दूर की भी सोच रहे हैं और डर लगता है, रिस्क लगता है उनको आगे कदम बढ़ाने से। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं वो, अब वो पास्ट की एनर्जी को भूल भाल कर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जी है। और देखो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया है, खुद आपकी ज़िंदगी से ये इंसान दूर चला गया, इसने आपका दिल तोड़ के रख दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। मे भी कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि इंसान जब आपकी ज़िंदगी से चला गया तो उसने आपको रीज़न भी नहीं बताया कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी से क्यों जा रहा है, उसने रीज़न तक नहीं बताया आपको, उसने ज़रूरी ही नहीं समझा आपसे बात करना और अचानक ही आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं। इस इंसान के जाने से आप बहुत दर्द में हो, तकलीफ में हो, कोई ज़ख्म जैसे कि आपके दिल पर लगा है इस इंसान के जाने से। इस इंसान का जाना तो दुख है ही, लेकिन जिस तरह से इस इंसान का जाना है आपकी ज़िंदगी से, जैसे कि बिना बताए चला जाना, या अगर किसी बात पर वो नाराज़ है तो वो बात भी नहीं बताता है वो इंसान कि क्या बात है, आखिर क्या बिगाड़ा है आपने उस इंसान का, तो वो बात भी वो आपके साथ शेयर नहीं करते कि क्या हुआ है, रीज़न बताओ। तो ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इतने ज़्यादा परेशान हो कि इंसान आपकी ज़िंदगी से चला भी गया और इसने आपको रीज़न भी नहीं बताया, हो सकता है इसने आपको अचानक ब्लॉक कर दिया और आप हैरान रह गए, आपको पता भी नहीं कि इसने ब्लॉक किया क्यों, कोई तो ऐसा रीज़न है जो इंसान आपके साथ शेयर भी नहीं करना चाहता। तो जिस तरह से आप एनर्जी है, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही है कि आपके पार्टनर खुद आपसे दूर चले गए, खुद इस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली, खुद इसने आपको ब्लॉक कर दिया और आपको रीज़न भी नहीं बताया, इसका दर्द आज भी आपके दिल में है। और कहीं ना कहीं ये इंसान भी अब फील कर पा रहा है कि इसने जो दर्द जो तकलीफ़ आपको दी है, अब वो आपको उस दर्द से उस तकलीफ़ से कैसे बाहर निकालेगा, बोझ तो इसके दिल पर भी है, इसने गलती कर दी है, तो अब ये सोच रहा है कि वो खुद छोड़कर चला गया, खुद उसने आपके दिल को दर्द दिया, खुद तकलीफ़ में डाल दिया आपको, तो अब वो किस मुँह से आपके पास वापस आए, कैसे वापस आए। आपके पार्टनर इन दूरियों को मिटाना चाहते हैं, मे बी 3 महीने से, मे बी 8 महीने से आपके पार्टनर डिप्रेशन में हैं और ये किसी के साथ अपने दर्द को बांट भी नहीं रहे हैं। इस इंसान को बहुत ज़्यादा बोझ जैसे कि बन चुका है गाइस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। और यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि बहुत इमोशंस हाई हो रहे हैं आपके पर्सन के, खुद की गलतियाँ इस इंसान को एक एक करके याद आ रही हैं, जितनी ज़्यादा इसने गलतियाँ की है वो सारी की सारी गलतियाँ इस इंसान के नज़रों के सामने हैं, ठीक है। और यहाँ पर है 6 of Swords, आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस लौट कर आना चाहते हैं,
खुद चले गए थे ना आपसे दूर, खुद ही दूरियां बनाई थी ना इस इंसान ने। तो देखो अब आपके पार्टनर खुद आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं आप दोनों, मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में इमोशनली डिस्टेंस आया है। आपके पार्टनर इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, वो लौट कर आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपके साथ बहुत हैप्पी रहना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो कि आपके पार्टनर को जॉब की वजह से कहीं दूर जाना पड़ा हो, कोई ऐसा रीज़न रहा हो उनकी ज़िंदगी में कि उनको शिफ्ट होना पड़ा हो। हो सकता है कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी कारणवश वो आपसे दूर चले गए और अब आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। आज जो हालात है ना गाइस, आपके पार्टनर उस हालात से बाहर निकालना चाहते हैं आप दोनों को, आपको भी और खुद को भी वो इंसान इस हालात से बाहर निकालना चाहते हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको भी किसी बात का दुख हो, आपके भी दिल में कोई मलाल रहे। वो आपको समझाना चाहते हैं, वो आपके पास वापस आएंगे, वो आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं, आपको इस वक्त क्या सुनना ज़रूरी है देखते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके जो बर्थडे है 24 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 4 हो सकती है, 1 हो सकती है। आपके पार्टनर तो आपके सोलमेट हैं। देखो आपके लाइफ में चेंज तो आने वाला है गाइस, डेफिनेटली आने वाला है। नंबर 12 खास हो सकता है आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो ना, तो आपको अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे नहीं कुछ भी प्लान कर दिया, कुछ भी एक्शन ले लिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। जिस तरह से आप एक्शन ले रहे हो सकता है कि आप हड़बड़ी में गड़बड़ी ना कर दे कुछ, ऐसे भी आपको गाइड किया जा रहा है यहाँ पर। गाइस मैं आपको बता दूँगी यहाँ पर जिस तरह से सोलमेट्स की एनर्जी आई है, ये वक्त आपके लिए सही है। आपका पार्टनर आपके पास वापस आ सकता है, आपका जो रिश्ता है बहुत डिवाइन है, सोलमेट हो सकते हो आप दोनों एक दूसरे के। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप अपने रिश्तों की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हो, मतलब भगवान ने ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा इंसान दिया है, या आपके आसपास वाले लोग, आपके घर वाले, किसी किसी के लिए आपके घर वाले आपके सोलमेट हो सकते हैं, मतलब बहुत केयर करने वाले लोग आपके आसपास हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उनकी केयर नहीं कर रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, पे अटेंशन। तो अगर ऐसे लोग आपके आसपास है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, उनकी तरफ ध्यान दो। वो आपके घर वाले हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। देखो नसीब से मिलते हैं ऐसे लोग, हर किसी के ज़िंदगी में नहीं होते ऐसे लोग जो आपसे प्यार करे। आपके सोलमेट जो भगवान ने ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में दिए हैं, उनको समझो, उनको पहचानो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, इतना ज़्यादा काम कर रहे हो, खुद को आराम ही नहीं दे रहे हो, या अगर आप काम नहीं कर रहे तो इतना ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हो, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आपके दिमाग को आप थोड़ा शांत ही नहीं कर पा रहे हो। रुक जाओ, अगर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो तो अभी आपको आराम करने की आवश्यकता है, खुद से प्यार करने की आवश्यकता है, खुद की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, थक गए हो, तो थोड़ा ब्रेक लेना आपको ज़रूरी है। ऐसा आपको गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है कि अगर आप ब्रेक लोगे, थोड़ा आराम करोगे, थोड़ा शांति से सोचोगे, तो आप एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ सकते हो। देखो ब्रेक लेना या थोड़ा रुकना, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म, ऐसा नहीं है। थोड़ा रुकना, खुद को एक नई शक्ति से भरना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसा कुछ करे कि बहुत काम कर रहे हो, काम किए जा रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, और खुद की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, खुद को बिल्कुल आराम नहीं दे रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको खुद को आराम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आपका ब्रेक लेना, ठीक है। ये भी यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अपने आप को बहुत बिजी कर लिया है आपने, और आप सोच भी नहीं पा रहे हो, आप खुद के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, आप खुद को वक्त नहीं दे रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।